असी उन्नाव चुनाव में सिलेक्टेड कैंडीडेट पिछले 20 दिनों तो सिक्ख्या मंत्री जी के पिंड गंभीरपुर बैठे हाँ। साढ़े दो साथी आदर्श वीर जी और अनमोल पानी वाली टैंकी उत्ते बैठे हुए हैं। असी कल दी रात सिक्ख्या मंत्री जी की कोठी घेरी है, पर साडा कोई भी सार्थक हल नहीं किया जा रहा। सारिया भैणा और सारे वीर ने रात सिक्ख्या मंत्री जी की दरवाजे के अगे बिताई है, पर साडा फिर भी कोई हल नहीं किया जा रहा। तो अज साडा दूजा दिन है, दूसरे दिन भी असी यही फैसला किया है कि अज की भी रात जिन्या भी रात अगे वाली होनगियां असी इत्थे ही बैठांगे जिन्ना टाइम कोई भी साडा सार्थक हल नहीं किया जा रहा। तो प्रशासन वालों भी जेडे दो साथी टैंकी उत्ते बैठे हैं उन्होंने खाना पानी बंद करवा दिता जा रहा है। इस दी वजह नाल उन्होंने सेहत बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी है। तो असी प्रशासन नू अते सिक्ख्या मंत्री जी नू सख्त चेतावनी दिंदे हां कि अगर उन्होंने सेहत में कोई भी गिरावट आती है या कोई भी उन्होंने नुकसान होंदा तो इसका जिम्मेवार सिक्ख्या मंत्री इत्थों गंभीरपुर का प्रशासन होगा। धन्यवाद। अज अपने धरने का लगभग महीना हो चलिया अपन इत्थे आए नूं, ते अज अपना दूजा दिन सिक्ख्या मंत्री साहब दे घर दे बाहर जिहड़ा गेट दे अगे आपां कल पहुँच परसों पहुँच गईआं सी भैणां सवेरे 4:30 बजे। उस तो बाद अज साडी दूजी रात आ सिक्ख्या मंत्री साहब दे घर दे बाहर, क्योंकि पिछले काफ़ी लंबे समय तो सरकार दे लारिआं ने झूठे लारिआं करके जिहड़ा साडे साथी कई टैंकी ते भी चढ़े, दो साथी साडे भावक हो के ते इत्थे भी साडे बहुत ज़्यादा तादाद दे विच साथी पहुँचे सिक्ख्या मंत्री साहब दे घर दे बाहर। असी सरकार नूं अपील भी करदे आ ते चेतावनी भी दिंदे आ, जेकर साडी ETT 994 भर्ती नूं जल्द तो जल्द जिहड़ी लिस्ट आई उस नूं ना ज्वाइन करवाया गया तां होर तिखे ते गुप्त एक्शन होणगे। नाल दी नाल जिहड़ियां पंजाब दे विच जिमणी चोणां आ रहियां ने तां लगभग चारां हलकियां दे विच जिहड़ा सरकार दा भंडी प्रचार कीता जाऊगा, सरकार दीआं जिहड़ियां नाकामियां ने कमियां ने उहनां नूं उजागर करके लोगों के सामने रखा जाऊगा, क्योंकि ये सरकार दो मुद्दों पर आई सी, सेहत और सिक्ख्या, तो दोनों धिर ही सिक्ख्या का सेहत का जोड़ा बहुत मंदा हाल जोड़ा इस सरकार के आने तो बाद भी आ, उस कोई सुधार नहीं होया। साडिया दो भर्ती इन्होंने रोल के रख दियाँ, साड़ी भर्ती लगभग पिछले 1.5-2 साल तो जी वो रुल रही आ, असी सड़कों पर रोलन मजबूर होए हाँ। असी 10 अक्तूबर 2023 पहली बार सिक्ख्या मंत्री साहब के पिंड आके धरना लाया सी पक्का मोर्चा, तो साड़ी पिछली दिवाली भी सड़कों पर काली रही सी, तो इस बार जे साड़ी दिवाली भी उस तरह लंघती है तो असी जिहड़ा सरकार दा चारे पास्यों घराओ करांगे, चारा हलकियां दे विच जिहड़ा इन्हां दा पूरा भंडी प्रचार करांगे जे सानू इस बार जल्द तो जल्द ज्वाइन ना करवाया गया। तां कल तो जदों तो साडे साथियों वल्लों सिक्ख्या मंत्री साहब की कोठी का घराओ किया गया उदों तो ही प्रशासन वल्लों तानाशाही रूप अपनाया गया है, साढ़े उपर रोटी पानी दोवां दा बंद कर दिता गया थलों आना, तो SHO साहब भी तानाशाही रूप अपना रहे हैं। कल तो साढ़े दोहां तक खाण पीन लई कुछ पानी तक भी नहीं पहुँचा, तो जिस दे चलदियां मेरे साथी आदर्श अबोर की हालत बहुत नाजुक हो चुकी है, साथी का टैंपरेचर लैवल 103 पहुँच गया है, तो BP लैवल भी डाउन हो रहा है, तो साथी का शुगर लैवल भी काफ़ी डाउन हो रहा है। तो कल मैं एक क्लिप देखने मिली है जिस विच SHO साहब आपके दोषों नकार रहे हैं, तो एक चाकू का बहाना ला रहे हैं भी इन्हों के साथियों वालों उपर चाकू पहुँचाया जा रहा, ता करके असी मनाही की है। साथियों मेरे को एक वीडियो है जिस विच स्पष्ट रूप विच यह कहा जा रहा है ARPF के जवान वालों भी सानू SHO साहब ने उपर जाने तो कुछ भी मना किया होया है, मैं वह क्लिप भी वीडियो भी वायरल कर सकता हाँ। तो मेरे साथी का कोई भी नुकसान होता है या साढ़े दोवों किसी का भी कोई नुकसान होता है इसका सीधा सीधा जिम्मेवार सिक्ख्या मंत्री साहब पंजाब सरकार के मुखी सरदार भगवंत सिंह मान तो उत्थे का प्रशासन SHO साहब होणगे।